नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 20 सितंबर 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2022 की अपडेट को देखेंगे और बात करेंगे रिजल्ट आपको कैसे डाउनलोड करना है। रिजल्ट के लिए दोस्तों आपको वेबसाइट पता होगी dlrizult.com, आप यहां से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आज की कुछ बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखने वाले हैं और आपके साथ कुछ बड़े धोखे हो रहे हैं उसको भी हम आपको बताएंगे। राजकीय विद्यालयों में होगी 7,471 शिक्षकों की भर्ती, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको मौका नहीं मिल पाएगा। अब इसके लिए बीएड जरूरी हो जाएगा। बताइए, बीएड छात्रों को प्राथमिक भर्ती में भी मौका मिल रहा है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी मौका मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों जो हमारा बीएड वर्सेस डीएलएड का मैटर चल रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में या बीटीसी का, जल्दी दोस्तों ये कोर्ट से फाइनल होगा। अगर यहाँ पर बीएड छात्रों को बाहर कर दिया जाता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से, तो बीएड छात्रों को बड़ा झटका लगेगा और डीएलएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। मतलब फिर आपको नौकरी पाना बेहद आसान हो जाएगा। देखिए, जो बड़ी वैकेंसी आती है हमेशा याद रखिएगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ही आती है। ठीक है, चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो, टीजीटी की वैकेंसी जरूर आई, लेकिन उसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी होती है और आप उसका डाटा निकाल कर देख लीजिएगा कि कितने पदों पर वैकेंसी थी। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस कोर्ट का फैसला अगर आपके पक्ष में रहा तो डेफिनेटली गाइज आने वाले टाइम में फिर बीएड में बिल्कुल लाइन नहीं लगेगी, कॉलेज की सीटें खाली जाएंगी जैसे आजकल डीएलएड में सीटें खाली चल रही हैं। 52 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है और बच्चों को बनाना है निपुण। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। उसके बाद कोरोना केसेस की बात करें तो 24 घंटे में हमारे देश में 1,681 कोरोना के नए मामले सामने आए। सीटेट की ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, सीटेट की वेबसाइट आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप देख सकते हैं डीएलएड परीक्षा डेट शीट, प्रथम सेमेस्टर डेट शीट ये है, द्वितीय सेमेस्टर डेट शीट ये रही। उसके बाद देखिए, हमारे स्कूटनी के आवेदन समाप्त हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 19 सितंबर लास्ट डेट थी, आज तारीख है 20 तारीख, लेकिन ये दिखा रहा न्यू, लेकिन अब ये खत्म है और कुछ बच्चे इसको साइट को विजिट भी कर रहे थे ये समय। ठीक है, तो स्कूटनी के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब जल्द ही स्कूटनी का जो भी कॉपी है उसको रीचेक देखा जाएगा क्या क्या गलतियां हुई हैं। अगर कहीं पर लगेगा भैया एग्जामिनर को कि हाँ नंबर जोड़ने में कहीं कुछ मिस्टेक्स हुई है या किसी क्वेश्चन पर नंबर नहीं दिया गया, तो हो सकता है उस पर नंबर आपको देकर पास किया जाए। ठीक है, इंतजार करिए, सब्र करिए, फल मीठा मिलेगा। ठीक है, यूपी टेट सी टेट सुपर टेट के हर एक बड़ी अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। डीएलएड स्कूटनी आवेदन लगातार जारी है। जो भी दोस्तों अपडेट्स आती रहेंगे, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, कोई भी देखिए खबर आपसे छूटने वाली नहीं है। बाकी फेल छात्रों के लिए जो भी बड़ी खबर होगी उसको भी देखेंगे। ठीक है, स्मार्टफोन टैबलेट के लिए करें आवेदन। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खुशखबरी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि डीएलएड प्रशिक्षण शुरू हो चुका है, सीधे प्रवेश पर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया। जी हाँ, अपडेट क्या है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2022 सत्र 14 सितंबर से ही शुरू हो चुका है और अब तक सीधे प्रवेश पर निर्णय नहीं हो सका है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से दूसरे चरण के कॉलेज आवंटन के बाद 9 सितंबर तक प्रवेश की सूचना मांगी गई थी। जिलों से मिली सूचना के अनुसार दो चरणों के बाद तकरीबन 41,000 अभ्यर्थियों ने डीएलएड में प्रवेश लिया है। डायट की 10,600 और निजी कॉलेजों की 2 लाख, ठीक है, 6,000, कुल 2,16,600 सीटों में से 20% पर ही प्रवेश न होने से निजी कॉलेजों के प्रबंधक परेशान हैं। ठीक है, तो ये जो मैटर है, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज वाले पहले बच्चों को खूब लूटते थे, आपको पता होगा कॉलेज नहीं जाने पर 10-10 हज़ार रुपये मांगा जाता था, याद करिए, जो बच्चे एबसेंट होते थे। आज हालत कैसी है डीएलएड की, ये आपके सामने अपडेट है। उसके बाद इस अपडेट को जरा देखिए, स्मार्टफोन टैबलेट के लिए करें आवेदन, प्रयागराज से अपडेट है। जिले के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को आधुनिक सुविधाएं देने के लिए एक बार फिर स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा। इसके लिए डिजी शक्ति पोर्टल को सोमवार से खोल दिया गया है। इच्छुक छात्र छात्राएं संस्थाओं के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, प्रदेश सरकार ने बीते साल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ में एक बड़े कार्यक्रम में शिक्षण संस्थाओं के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए थे। बाद में कुछ कारणों से योजना बंद हो गई, सोमवार को पोर्टल खोल दिया गया है। अब छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। एडीएम नागरिक आपूर्ति जेपी सिंह ने यह जानकारी दी है। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी बच्चों के लिए है। अब अगली अपडेट में आते हैं हम लोग।
69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वालों के अवैध संपत्ति चिन्हित की गई है। जी हाँ दोस्तों, क्या अपडेट है? प्रयागराज से अपडेट है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में प्रतियोगी छात्रों से लाखों रुपए लेकर फर्जीवाड़ा करने के आरोपियों पर पुलिस और शिकंजा कसने जा रही है। पुलिस ने सभी पर गैंगस्टर के तहत पहले ही कार्रवाई की है। अब संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। ऐसे में शिक्षक भर्ती में खेल करने वाले गिरोह के सरगना के संपत्ति की जांच भी पूरी होने वाली है। पुलिस टीमों ने इनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। कई प्रॉपर्टी की पहचान हो चुकी है। सोराव पुलिस रिपोर्ट तैयार कर अफसरों को भेजेगी। वहां से रिपोर्ट डीएम को जाएगी। इसके बाद कार्रवाई शुरू होगी, ठीक है ना? तो गैंग का जो सरगना है डॉक्टर केएल पटेल, इस जांच की जद में है। साथ ही 11 अन्य आरोपियों की संपत्ति की भी जांच हो रही है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, लिपिक वैकेंसी की जो बात थी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजकीय विद्यालयों में होगी 7,471 शिक्षकों की भर्ती। अपडेट क्या है? राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक LT भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों के लिए यह खुश करने वाली खबर है। ठीक है, अगर आपके दोस्त यार भाई बहन BEd कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में प्रदेश भर में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों का विवरण जुटाकर भर्ती के लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। कुल 7,471 पदों का अध्याचन भेजा गया है, जिसमें प्रवक्ता संवर्ग में 2,215 और सहायक अध्यापक LT संवर्ग में 5,256 पद हैं। यह सभी पद महिला और पुरुष दोनों श्रेणी के हैं, ठीक है ना? इसमें कुछ विषयों में अर्हता का विवाद है, जिसमें से अधिकांश हल किए जा चुके हैं। शेष विषयों में कार्रवाई जारी है। तो हर एक अपडेट पर हम लोग की नजर होती है। कोई भी खबर दोस्तों आपसे छूटने ना पाए, हर एक अपडेट की ताजा जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। देखिए, एक बात आपको बताना चाहेंगे, आप लोग परीक्षा की तैयारी बेहद अच्छे तरीके से करिएगा। जी हाँ दोस्तों, टेट के पेपर में आपको रिस्क नहीं लेना। आप लोगों को अब इस साल जो यूपी टेट या CTET का पेपर होगा वो अच्छे से देना है। पहले क्या होता था कि CTET का पेपर साल भर में 2 बार हो जाता था, लेकिन इस साल से आप देख रहे होंगे कोरोना केसेस की अपडेट हम इसलिए आपको देते रहते हैं ना, कि पहले क्या होता था जो टेट का पेपर लेट से होता था या कुछ भी लेट अतिफी होती थी, उसमें ये कहा जाता था कि भैया कोरोना के मामले ठीक है ज्यादा हो रहे हैं, कुछ भी अपडेट होती थी उसके वजह से पेपर को टाला जाता था, परीक्षा डेट को चेंज किया जाता था। लेकिन इस बार कोरोना केसेस भी कम है, उसके बाद भी लापरवाही हो रही है, इस वजह से बच्चे ज्यादा परेशान हैं। जो भी दोस्तों ताजा जानकारी होगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। हर एक छोटी खबर बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप लोग परीक्षा की तैयारी में लगे रहिएगा। CTET की तरफ से जो भी ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है? DLED परीक्षा डेट शीट पर भी हमारी नजर होगी। अगर आप भी आपको रिजल्ट डाउनलोड करना है तो रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए। बात रही प्रत्यावेदन फॉर्म की, देखिए जो भी बच्चे किसी भी विषय में अब तक 3 बार फेल हो चुके हैं, तो गाइस अगर आप प्रत्यावेदन फॉर्म नहीं सबमिट करेंगे लखनऊ जाकर, जो भी मामला है ना, प्रत्यावेदन नहीं करेंगे, तो फिर इस बार जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा तब आपका नाम वहां पर शो नहीं होगा। तो लापरवाही नहीं करना है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।